हेलो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय नेम इज़ हरजीत कौर हम कर रहे हैं लूसन जी के के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे अर्थ क्विक एंड वॉल कैनो के क्वेश्चन इसके ऑलरेडी हम फोर्टी क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं तो उसके आगे के क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे तो इसका आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स यहाँ पे चार स्टेटमेंट्स दे रखी है तो इनमें से पहली स्टेटमेंट क्या है पी वेव्स आर द फर्स्ट सीज्मिक वेव्स टू रीच अर्थ तो हमने देखो एक की वेव्स के बारे में पढ़ा था एक होती है पी वेव्स एक होती है एस वेव्स जो मेजर है वो दो वेव्स होती है प्राइमरी एंड सेकेंडरी वेव्स जो सेकेंडरी वेव्स है इनको सरफेस वेव्स भी बोला जाता है और जो प्राइमरी वेव्स है ये पास करती है सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस तीनों मीडियम में से पास कर जाती है लेकिन जो सेकेंडरी वेव्स है ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में से ही पास करती है तो इसीलिए ये क्रस्ट पर ही रहती है तो इनको सरफेस वेव्स भी बोला जाता है ठीक है तो ये चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं तो इन्हीं से रिलेटेड ये चार स्टेटमेंट्स है फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है पी वेव्स आर द फर्स्ट सीज्मिक वेव्स टू रीच अ प्लेस तो सबसे पहले पी वेव्स पहुंचती है क्योंकि पी वेव्स की जो स्पीड है वो बहुत फास्ट होती है साउंड की स्पीड के बराबर होती है वेव्स की साउंड तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है सेकेंड क्या है एस वेव्स ट्रेवल्स ओनली थ्रू लिक्विड्स तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है एस वेव्स सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में से ही ट्रेवल कर सकती है थर्ड अराइवल टाइम ऑफ पी एंड एस वेव्स इज यूज्ड टू लोकेट द एपिसेंटर तो ये जो एपिसेंटर होता है ना एपिसेंटर क्या होता है अर्थ के ऊपर पे ऊपर जो जगह होती है अर्थ के सरफेस पे जहाँ पे जो अर्थक्वेक हिट करता है तो एपिसेंटर के बिल्कुल नीचे जो पॉइंट होता है जहाँ से अर्थक्वेक जनरेट होता है उसको बोलते हैं फोकस तो फोकस से जनरेट होता है फोकस के बिल्कुल ऊपर आ जाता है एपिसेंटर और ये एपिसेंटर का पता कैसे चलता है अब ऐसे तो है नहीं कि अर्थ के अर्थ पे कोई पॉइंट लग जाता है जहाँ से हमें एपिसेंटर का पता चलता है तो ये जो एपिसेंटर है इसको हम लोकेट करते हैं पी और एस वेव्स के अराइवल टाइम के थ्रू तो जो थर्ड स्टेटमेंट है वो भी बिल्कुल सही है फर्स्ट स्टेटमेंट सही थी थर्ड भी सही है सेकेंड वाली रॉन्ग थी

सेकेंड रीजन क्या है एल वेव कैनॉट स्टार्ट आंटिल पी वेव हिट्स द सर्फेस अब पी वेव्स पहले सरफेस पे आती है सरफेस पे हिट करती है उसके बाद सरफेस पे एल वेव्स जिसको सरफेस वेव्स भी बोलते हैं वो वेव्स जनरेट होती है तो रीजन जो है बिल्कुल सही है लेकिन जो आर है वो ए की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है दोनों जो स्टेटमेंट्स है वो इंडिविजुअली सही है तो ऑप्शन बी आ जाएगा आंसर नेक्स्ट मैच लिस्ट वन एंड टू वन में क्या है कुछ टर्म्स दे रखी है टू में उनकी डेफिनेशन दे रखी है तो पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे फिर उनको टर्म के साथ मैच करेंगे पहली डेफिनेशन क्या है अ पॉइंट ऑन अर्थ सर्फेस वेयर इम्पैक्ट ऑफ द अर्थक्वेक इज फेल्ट मैक्सिमम अर्थ के सर्फेस पे जहाँ पे जो अर्थक्वेक का इम्पैक्ट है मैक्सिमम होता है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं उस पॉइंट को बोलते हैं एपी सेंटर तो एपी सेंटर पे जो अर्थक्वेक का इफेक्ट है ना वो सबसे ज्यादा होता है एपी सेंटर पर ही तो अर्थक्वेक है सबसे पहले हिट करता है तो वहीं पर इसका इम्पैक्ट ज्यादा होएगा ना तो जो फर्स्ट है उसका बी के साथ मैच करेंगे फिर सेकंड स्टेटमेंट क्या है एन ओपनिंग ऑन अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मैगमा फ्लोज आउट बॉल से रिलेटेड है तो मैगमा जिस ओपनिंग के थ्रू बाहर आता है जो मैगमा का माउथ है उसको क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं वेंट तो सी uh, का सी के साथ ये मैच हो जाएगा नेक्स्ट क्या है अ पॉइंट बिलो द अर्थ सर्फेस वेर अर्थ को एक ओरिजिनेट अर्थ के सर्फेस के नीचे यहां से अर्थ को एक ओरिजिनेट होता है उसको क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं फोकस और सिजमिक फोकस राइट right? फिर आता है प्लेस बिलो अर्थ सरफेस वेयर लावा इज फॉर्म एंड एक्ट एज सोर्स ऑफ मैग्मा इनफ्लो तो अर्थ के नीचे यहां पे मैग्मा इनफ्लो करता है उसको क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं मैग्मा चैम्बर तो ए को हम इसके साथ मैच कर देंगे राइट right? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिलेशन टू अर्थ टॉप मोस्ट मोस्ट लेयर की यहाँ पे बात हो रही है ट्रांसवर्स अर्थ क्विक वेब मूव एट अ थ्री पॉइंट फाइव किलोमीटर पर इन दैट लेयर तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है सेकेंड स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है 2.7 है ये भी सही स्टेटमेंट है थर्ड है इट इज़ अ शेलोएस्ट अंडर कॉन्टिनेंट्स एंड डीपेस्ट अंडर ओशंस डीपेस्ट अंडर ओशंस तो ठीक है ओशन्स पे भी डीपेस्ट नहीं आएंगे किसी जगह पे जो ओशन्स है वो शेलो भी है किसी जगह पे डीप ट्रेंच है तो डीपेस्ट ओशन्स भी है लेकिन ये जो कॉन्टिनेंट वाला एरिया है ये प्लेन एरिया है शेलो एरिया नहीं आएगा ये प्लेन एरिया आता है कॉन्टिनेंट्स का भी तो ये जो थर्ड स्टेटमेंट है ये रॉन्ग

बिलो द अर्थ सर्फेस नहीं होता जो बसाल्ट रॉक्स है ये अर्थ के सरफेस के ऊपर पाई जाती है अर्थ के सरफेस के नीचे नहीं होती तो जो असर्शन वाली स्टेटमेंट है ये रॉन्ग स्टेटमेंट है रीज़न देखे तो रेट ऑफ कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा इनसाइड द अर्थ इज वेरी स्लो तो अर्थ के अंदर जो मैग्मा इधर उधर अर्थ की क्रैक्स के अंदर चला जाता है तो वो धीरे धीरे ठंडा होके सॉलिडिफाई हो जाता है तो रीजन वाली जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है तो ए रॉन्ग है तो आर ट्रू है तो ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू ऑप्शन डी इज योर आंसर नेक्स्ट द स्ट्रक्चर ऑफ़ द इंटीरियर ऑफ़ अर्थ इज डिड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ देल्प ऑफ्स अब देखो जो अर्थ का इंटीरियर वाली लेयर्स है ना अब उसके अंदर जाना पॉसिबल नहीं है जब हमने अर्थ के इंटीरियर के बारे में पढ़ा था तो उस टाइम पे भी हमने ये बात पढ़ी थी कि अर्थ के अंदर जाना पॉसिबल नहीं है अर्थ के बाहर एटमोस्फेयर में आप कितनी भी हाइट तक जा सकते हो लेकिन अर्थ के इंटीरियर में एक डेढ़ किलोमीटर से ज़्यादा आप नहीं जा सकते तो फिर भी हमें अर्थ के इंटीरियर के बारे में जो नॉलेज है कोर के

रॉन्ग स्टेटमेंट है ए वाली ट्रू है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स ऑप्शन सी इज योर आंसर नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू तो इसमें फर्स्ट है मॉडरेट अर्थक्वेक्स आर कॉस्ट अलॉन्ग कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज तो अब देखो प्लेट बाउंड्रीज जो होती है ना वो तीन तरह की प्लेट बाउंड्रीज होती है एक होती है कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज होती है एक होती है डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज डाइवर्जेंट वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज ठीक है थर्ड आती है कंजर्वेटिव प्लेट बाउंड्रीज ये तीन तरह की प्लेट बाउंड्रीज होती है अब ये प्लेट बाउंड्रीज के बारे में अगर आप समझ गए ना तो इस तरह के आपको कोई भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जाए आप आंसर दे दोगे ये जो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज होती है ना कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज में जो प्लेट्स की मूवमेंट होती है वो एक दूसरे की तरफ प्लेट्स मूव करती है ठीक है डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज में जो प्लेट्स है वो एक दूसरे से दूर की तरफ मूव करती है अवे फ्रॉम द एक दूसरे की प्लेट से दूर जाती है अवे होती है ठीक है और जो कंजर्वेटिव प्लेट बाउंड्रीज है इसमें स्लाइड पास करती है दोनों प्लेट्स ठीक है दोनों प्लेट्स की मूवमेंट क्या होती है दोनों प्लेट्स आपस में स्लाइड पास करती है कंजर्वेटिव प्लेट बाउंड्रीज में तो अब हमने जो पिछले वीडियो में पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के बारे में पढ़ा था तो उसमें हमने क्या बोला था कि जो ज़्यादातर अर्थक्वेक्स आते हैं ना तो वो

तरफ मूव कर रही है तो जहाँ पे कंजर्वेटिव प्लेट बाउंड्रीज है तो वहां पे भी जो अर्थक्वेक्स है वहाँ पे अर्थक्वेक्स नहीं आएंगे। तो प्लेट्स है स्लाइड पास कर रही है तो वहां पे अर्थक्वेक आने का कोई मतलब बनता नहीं है हाँ ये बात है कि दो प्लेट्स आपस में मूव कर रही है कंजर्वेटिव स्लाइड पास कर रही है तो इन केस बीच में कोई फॉल्ट आ जाए दोनों प्लेट्स आपस में अटक जाए जैसे ये दो प्लेट्स है स्लाइड पास कर रही है अब ये प्लेट इधर की तरफ मूव कर रही है इधर की तरफ स्लाइड पास कर रही है कोई अर्थक्वेक नहीं आएगा लेकिन बीच में कोई फॉल्ट आ गया जिसकी वजह से दोनों प्लेट्स आपस में अटक गई बीच में तो उस केस में अर्थक्वेक आ सकता है बहुत ही डिजास्ट्रस अर्थक्वेक आएगा लेकिन अगर सिंपल स्लाइड पास

कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज कौन सी होती है जो डाइवर्जेंट मतलब प्लेट्स एक दूसरे से दूर मूव कर रही है एक दूसरे से आर दूर जा रही है तो दूर जा रही है तो वहां पे आर्थक्स नहीं आएंगे ज्यादा आर्थक्स वहां पे नहीं होंगे ठीक है सेकंड स्टेटमेंट क्या है लो मैग्नीट्यूड आर अलोंग कंजर्वेटिव प्लेट बाउंड्रीज कंजर्वेटिव स्लाइड पास कर रही है दो प्लेट स्लाइड पास कर रही है तो वहां पे अर्थवेक्स नॉर्मल केसेस में नहीं आएंगे तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी जो है वो रॉन्ग है थर्ड क्या है डिजास्ट्रस आर्थवेक्स आर कॉस्ट अलोंग डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज डिस्ट्रक्टिव कौन सी होती है जो कन्वर्जेंट प्लेट्स होती है कन्वर्जेंट प्लेट्स पे बहुत ही डिजास्ट्रस अर्थवेक्स आते हैं तो ये वाली स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है

नेक्स्ट चलते हैं द मॉन्स्टर आर्थक् कम सुनामी विच हिट्स जापान ऑन मार्च इलेवंथ टू थाउजेंड इलेवन हैज़ मूवड द कंट्रीज मेन आइलैंड हॉन्शू बाय अबाउट अब जब मार्च इलेवंथ दो हज़ार ग्यारह में सुनामी आई थी ना अर्थक्वेक कम सुनामी सुनामी भी आई थी अर्थक्वेक भी आया था जापान में तो उस टाइम पर जापान का जो हॉन्शू आइलैंड था वो कितना मूव किया था वो एट फीट तक मूव कर गया था मेन लैंड में से जो जापान की मेन लैंड है वहाँ से एट फीट मूव करके दूर चला गया था ये जो हॉन्शू आइलैंड था नेक्स्ट आर्थक्वेक इज कॉस्ट बाय आर्थक्विक्स क्यों आते हैं जब अर्थ के सर्फिस पे कोई डिस्टर्बेंस होती है उसकी वजह से आर्थक्विक्स बकर होते हैं नेक्स्ट एप्पी सेंटर एपी सेंटर अर्थक्वेक का होता है सिंपल बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं विच स्केल इज यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक अर्थक्वेक की इंटेंसिटी हम रिक्टर स्केल पे मेजर करते हैं राइट सो दिस इज ऑल अबाउट टूडे तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना थैंक यू बाय बाय हैव अ नाइस डे